अब हमने क्या पढ़ाया है, तो हम पढ़ा रहे थे तुमको प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहे हैं ना। हमने कल क्या बताया था, पहचान को बताया था ना, कि किस तरह से कोई भी हिंदी वाक्य दिया गया है उसकी हम पहचान किस तरह से करते हैं ये बताते हैं। हमने बताया था वाक्य किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं तो ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं ना। तो अब वही जो मतलब कि वाक्य हैं जो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं, इन्हीं वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह बनाया जाता है वो अब सबसे अधिक हो गया है ना। तो हमने पहचान बताया ता है, ती है, ते है, ये सब हो गया था। अब इसके बाद हम सबको क्या बताएंगे, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से इंग्लिश बताना है ना। तो देखो पहला क्या होता है, तो रूल में है ना, रूल में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में है ना, हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारा आता है डू या फिर डज है ना। ये किस में आता है जानते हो, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है ना, नेगेटिव में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये मत लिखो ना, केवल ये लिखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और इसके साथ क्या लगता है, यस या यस है ना, यस अभी बताएंगे सभी है ना, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद प्लस में जो भी अदर में बचेगा वो सब लिखकर फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं ना। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो उसके वर्ब के साथ यस या यस लगेगा है ना, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो बचेगा उसे लिखेंगे, फिर इसके बाद फुल स्टॉप है ना। ये इतना आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया गया है तो उसे इंग्लिश में बनाने का ये रूल है ना। तो इसी तरह से बनाते हैं, तो इसे पहले नोट करो फिर इसके बाद इसको समझाते हैं है ना। देखो अब ये सब्जेक्ट, अब तुमको हिंदी वाक्य दिया जाएगा, अब इसमें तुमको यही केवल पहचान में आ गया, किसी भी वाक्य के मतलब कोई भी वाक्य है अगर उसमें सब्जेक्ट तुमको पहचानने आ गया, वर्ब पहचानने आ गया, ऑब्जेक्ट पहचानने आ गया और अदर है ना, अदर में तो आ जाएगा है ना, ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, ये तीनों अगर पकड़ में आ गया तुमको हिंदी से तो ये सब समझ लो तुम सब क्या करोगे, हिंदी से इंग्लिश बना दोगे और इंग्लिश मीनिंग आपको पता होना चाहिए है ना। देखो हम एक एकदम सिंपल सा एक क्या लेते हैं उदाहरण लेते हैं, तुम लोग कौन सा उदाहरण पहले लिखे हो बताओ, हुआ बजाया जाता है, हुआ बजाया जाता है ना, तो इसी का लेते हैं, हुआ बजा जाता है। अब अच्छा तुम सब इसमें बताओ, ये जो है हुआ है ना, हुआ की जगह हम पूरी नाम लेते हैं, हमने नाम लिख दिया राम है, राम बाजार जाता है। अब इसमें तुम सब ये बताओ कि इसमें जो राम है वो क्या काम कर रहा है, पहले बताओ, राम हाँ बाजार जाना हाँ बाजार जाना, बार बाजार जाना ना, यानी काम क्या कर रहा है, जाने का, जाने का, जाने का काम कर रहा है ना। तो यही है वर्ब, पहचान में आया वर्ब कि राम क्या कर रहा है, बाजार जाने का है ना। लेकिन अब ये राम जो बाजार मतलब जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना, ये राम हुआ सब्जेक्ट और ये जो जाने का काम है ये कौन है, ये वर्ब है ना, वर्ब है, कहाँ पे जा रहा है, बाजार जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट यही है ना। देखो इसमें पहचानना क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट है ना हमेशा जो होता है मतलब कोई भी वाक्य दिया जाएगा उसमें तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि राम मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट एटोमेटिक मिल जाता है ना। देखो इसमें जो है काम अगर कोई चीज़ नाम तो नाम क्या हाँ राम नाम हाँ वो तो फिर रहेगा ना, वो सब बात भी बताएंगे ना। इसमें जो है क्या है कि राम है ना, राम कहाँ पे जा रहा है, बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, जो राम का जो काम है ना, राम का जो काम है वो क्या है,
जाने का है ना, जाने का काम है, यानी ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। वर्ब मतलब कार्य होता है ना, ये वर्ब है ना, ये जाना जाना जो है वो इसके जो कार्य है, राम के जाने का जो कार्य है, ये कौन सा जाने का काम है, ये क्या वर्ब हुआ। अब सब्जेक्ट कौन सा है, राम हुआ। जो देखो हमेशा जब भी सब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, जो काम रहता है वही करता है, सब्जेक्ट हमेशा काम करता है ना। जैसे कोई भी काम हुआ, जैसे पढ़ने को पढ़ाने को जो भी कोई भी काम करेगा हमेशा सब्जेक्ट ही करेगा है ना। इसके जैसे राम है, राम की जब भी करेगा जाने का काम करेगा, राम ही करेगा ना, सब्जेक्ट ही करेगा। यानी ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ। अब अगर हमको कुछ भी पता, जैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस या वाक्य मिल गया तुमको, तो कैसे पता करेंगे राम मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो एक वर्ड आता है हिंदी में कौन है ना, कौन लगा के है ना, या फिर किसने लगा कर जब भी हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जो आंसर आता है वही क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होता है ना। देखो राम बाजार जाता है ये वाक्य, अब इसमें पूछ लो कि कौन बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, राम। राम यानी राम क्या है, सब्जेक्ट है ना। पता चला कि सब्जेक्ट कौन सा है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। कौन बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यानी सब्जेक्ट कौन सा हुआ, राम हुआ है ना। अब जो इसका जो वर्ब है वो कौन सा होता है, हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना वही काम करता है। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वही हमेशा एक्शन करता है, एक्शन लेता है ना। हमने क्या एक्शन बताया था ना, कि चार प्रकार होते हैं, तो उसी में देखो एक्शन वही काम करता है, सब्जेक्ट ही एक्शन करता है ना। यानी हमेशा सब्जेक्ट ही एक्शन करेगा। तो अब इसका वर्ब कौन सा है, ये जाने का है ना। राम की जान कौन सा काम है, जाने का काम है, कहाँ पे जाने का काम है, बजाने का है ना। अब देखो हमको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पता चला। अब इसके बाद वर्ब भी पता चल गया, वर्ब भी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे कि सब्जेक्ट देखोगे क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना। सिंगुलर जो एक वचन होता है और प्लूरल जो होता है बहुवचन होता है ना। तो ये बताओ राम एक वचन है, एक वचन है ना, एक वचन है। तो इसमें क्या होगा, यस या यस लगेगा है ना। जब भी वर्ब लिखोगे उसके साथ यस लगाओगे या फिर यस लगाओगे है ना। चाहे जो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जब इंग्लिश में रहता है ना कि गोज रहता है, फिर उसके बाद जब सीट्स रहता है ना, यस या यस लगाते हैं वो। यस तब लगता है जब प्लूरल रहता है, नहीं दोनों में सिंगुलर रहेगा तब भी दोनों की यही है ना। कहीं कहीं पे देखो, कहीं कहीं जैसे गोज हुआ ना, इसमें देखो यस लगता है ना। अब जैसे यहाँ पे सीट हो गए ना, तो सीट से यस लगा देते हैं ना, केवल यस या यस लगा देते हैं, तो उनको याद करना पड़ता है वोकैबुलरी से है ना। तो उसमें जो क्या नाम वर्ड जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ये वाला यस या यस लगाते हैं ना, वो अभ्यास करते करते आ जाएगा ना, उसकी दिक्कत मत हो। केवल तुम वर्ब याद कर लो है ना, रोज जाकर वर्ड वर्ड मीनिंग के जो वर्ब होते हैं उसे देखा करो और समझा करो है ना। तो यहाँ पे आप समझ लो जो राम है ये सब्जेक्ट हुआ, राम क्या सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, इसका मतलब यस या यस जरूर लगेगा वर्ब में, यस या यस जरूर लगेगा। अब वर्ब क्या है, जाना। अब जाने का इंग्लिश क्या होता है, जाने का गो, गो है ना, गो, यही सब याद करना हो केवल है ना। अब बाजार है तो बाजार का मार्केट होता है बस। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम लिखो इंग्लिश में, नहीं यही दिक्कत है ना। देखो ये सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, तो सब्जेक्ट में राम है, राम लिख दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए है ना। वर्ब के मेन तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट है ना, पास्ट और परफेक्ट है ना, तीन फॉर्म होते हैं है ना। इसमें से देखो जो प्रेजेंट वाला होता है वो पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। जो पास्ट वाला होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है ना। जो परफेक्ट होता है वो थर्ड फॉर्म होता है ना। इसके बाद जो आई एन जी लगता है और ई एस लगता है वो इसमें आता है ना। देखो ये है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ई एस या ई एस लगाते हैं है ना। तो वर्ब इसमें कहाँ पे है, जाने का काम है, जाने के काम है, यानी इंग्लिश में जाना क्या बोलते हैं, गोइंग हमारा हो जाएगा, गो के साथ आई एन जी लगेगा ना, कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, गो पढ़ेंगे ना, गो के साथ अब यस या ई एस लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। देखो
राम राम की वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम जरूर लगाएंगे क्या ईएस या ईएस लगाएंगे गो के साथ ना, गो के साथ क्या लगता है ईएस लगता है ना, गो है ना, गो कहाँ पे जाता है बाजार है ना, मार्केट है ना, गो यहाँ पे जुड़ा है मार्केट, गो टू मार्केट, गो राम गोज टू मार्केट है ना, ये तुम्हारा एकदम एक्चुअल में क्या हुआ हिंदी से इंग्लिश बन चुका है ना। देखो ये हमने क्या क्या सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसके साथ देखो वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा, यस या यस लगा, गोज हुआ है ना, तो इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्या है ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा तुम्हारा हिंदी से इंग्लिश बन चुका है ना। इसी प्रकार तुमको बनाना है ना, जितने भी वर्ब रहेंगे पहले तुम ढूंढोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसके बाद वर्ब कौन सा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है ना, इसके बाद इसका इंग्लिश देखोगे, इंग्लिश देखने के बाद बनाओगे ना, तो एक तुमको बनाओ फिर अरे ऐसे नोट नहीं किए ये हो राम ये मार्जिन लिख दीजिए अगर ये हुआ रहता था, हुआ रहता तो ही हो जाता है ना, हुआ तो ही होता ना, he goes to market है ना, इसलिए नाम होता नाम लिखेंगे अगर मतलब कि नाम की जगह पर तो प्रोनाउन तुम लोग आदमी स्कूल में चला है ना, प्रोनाउन में क्या होता है कि नाम के स्थान पे जो कोई भी नाम आता है उसी को क्या कहते हैं प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन वही होता है, वहाँ पे दे ही और क्या नाम है सी इट इतने जितने भी मतलब जितने भी होते हैं नाम के स्थान पर आते हैं वो सब ये हो गया। अब इसके बाद तुम सब एक बनाओ, फिर इसके बाद तुम सबको बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं, कौन कौन से प्लूरल में होते हैं ना। कौन कर रहा है इसके बाद अगर वो पता चल गया है ना डायरेक्ट वही सब्जेक्ट होता है ना,
उसी को ढूंढ सकते हो, मतलब कि तुम्हारा ढूंढने का अगर तरीका यही है तो समझो सबसे बढ़िया है ना, कि देखोगे कि जो एक्शन है मतलब वो कौन कर रहा है ना, ये खाने का कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, यानी सब्जेक्ट रमेश हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो वर्ब हुआ, जो एक्शन होता है वही क्या होता है, वर्ब होता है, यानी कि जो एक्शन क्या है, खाने का एक्शन है ना, खाने का जो कार्य का रमेश का क्या कार्य है, खाने का है ना, खाने का काम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा है ना। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यस ये यस लगेगा, अगर प्लूरल हुआ यस ये यस नहीं लगेगा है ना, फिर कुछ नहीं लगेगा, क्यों सिंपल में क्या करेंगे, एक वर्ब जैसे गो है ना, इसे गो ही रहने दो है ना, फिर इसके बाद अगर क्या ईट है तो केवल ईट ही रहेगा है ना, इस तरह से यस ये यस नहीं लगाएंगे है ना। इसके बाद अगर सिंगुलर हुआ तो यस ये यस लगाएंगे, अगर प्लूरल हुआ तो यस ये यस नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ले देंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ भी बचेगा उसे अदर में लेकर फुल स्टॉप लगा देंगे है ना। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है रमेश, यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की यहाँ पे क्या है, रमेश है, यहाँ पे रमेश लिखो, रमेश है ना, रमेश हुआ। फिर इसके बाद देखो यहाँ वर्ब, वर्ब क्या है इसका, खाने का है, खाना इसका क्या है, वर्ब है ना। अब खाने का इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट है ना। अब यहाँ पे लिखोगे ईट है ना। अब देखोगे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना, ये रमेश क्या होता है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यस या यस लगेगा, यानी ईट के साथ यस लगता है ना। अब पूछो ये क्या लगेगा ना, ईट के साथ यस लगता है। फिर इसके बाद देखो अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, खाना, खाना मतलब जो भोजन होता है ना, वही होता है खाना, यानी फूड। ये हुआ तुम्हारा पूरा कंप्लीट ना, देखो पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर इसके बाद वर्ब लिखा, वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हुआ, यस या यस लगाते हैं, यस इसके साथ यस लगता है, ईट के साथ यस लगता है, यस लगा दिए। फिर इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड हुआ, फूड लगा दिए। अब इसके बाद अगर कुछ और भी बचता है इसमें लिखने के लिए, फिर इसके बाद उसको लिखिए लगा के है ना। इतना समझ में आया, ये पूरा नोट हो गया। अब इसके बाद तुमको बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट में जो सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है ना। तो देखो इसमें ये सब हो गया ना, मिटा रहे हैं। अब यही तुम सब जान जाओ कि सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से होते हैं ना, प्रोनाउन में और नाउन में है ना। सिंगुलर और प्लूरल, क्या आता है अगर कोई नाम अकेला आ रहा है ना, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ है ना, रोहित हुआ है ना, चाहे जो हुआ है ना, रोहित क्या नाम, ऋषि हुआ, चाहे निखिल हुआ, चाहे जो हुआ ना, सब में क्या आएगा, तुम्हारा सिंगुलर आएगा ना, अगर अकेला नाम आया है ना। इसके बाद अगर दो नाम आया एक साथ, जैसे हमने क्या किया कि सुरेश है ना, सुरेश सुरेश और लगा के है ना, और रमेश है ना, रमेश ये क्या हुआ, ये तुम्हारा प्लूरल में आ जाएगा है ना। सिंगुलर इंग्लिश में क्या होता है कि अगर अकेला हुआ तो सिंगुलर होगा, अगर एक से अधिक कोई भी सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल में जाएगा, डायरेक्ट प्लूरल में चल जाता है ना। ये सुरेश और रमेश दो लोग हो गए, यानी दो लोगों की ये डायरेक्ट चला जाएगा प्लूरल में है ना। तो अगर अकेला नाम आया, कोई अकेला नाम आया तो क्या होगा, सिंगुलर में होगा, अगर दो या तीन नाम आए एक साथ तो क्या होगा, वो प्लूरल में जाएगा है ना। तब प्लूरल में जाएगा तो यस या यस वर्ब के साथ नहीं लगेगा है ना, ये समझ में आया। इसके बाद अगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो है ना, सुरेश या रमेश है ना, ये देखो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है ना, सुरेश या फिर रमेश ये आया तब भी ये सिंगुलर होगा। हाँ बताओ कैसे, या है या नहीं, वो बात नहीं।
को इसमें समझने वाली एक चीज है, और या के मतलब क्या होता है ना, और क्या करता है, ये दोनों ऐड करता है ना, जिसे हम और तुम दोनों लोग और ना, हम और तुम ये काम करेंगे है ना। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझो है ना, कोई एक जैसे क्रिकेट है ना, क्रिकेट है तो बैटिंग करने जाओगे तो बोलोगे कि हम और तुम चलो बैटिंग करते हैं ना, तो इसके बाद ये हुआ दोनों लोग मिल के जाओगे है ना साथ में। अब अगर हम यही जगह बोल दिया कि तुम ना, हम तो पहले जाएंगे ही, तुम या फिर ये है ना, दोनों में से चाहे जो, यानी या तो तुम जाओगे या तो ये जाएगा, यानी तुम है ना, तुम या ये है ना, इसका मतलब कि या तो तुम जाओगे या तो ये जाएगा, अकेला एक ही लोग जाओ, दो लोग साथ में नहीं जाओ। जब हम ये बोल दिया कि या तो तुम जाओगे या तो ये जाएगा है ना, इसका मतलब क्या है कि या तो तुम जाओगे, अकेले तुम जाओगे या फिर तुम जाओगे है ना, इसमें से एक ही लोग जाओगे, दो लोग नहीं जाओगे। अगर इसी जगह हम बोल देते हैं कि तुम और ये दोनों लोग साथ में आओ, यानी तुम और ये दोनों लोग आओ, यानी दोनों लोग आओगे, ये प्लूरल में हो गया, दोनों लोग आ गए ना, एक्शन जो आने का काम है वो दोनों लोग साथ में आ रहे हैं। अगर इसी जगह हम बोल दें कि तुम और ये, इसमें तुम या फिर ये, इन दोनों से कोई एक आओ ना, एक आए को केवल एक लोग आओगे है ना, तुम आओगे या फिर ये आएगा है ना, दोनों में से एक आओगे, एक्शन कौन करेगा, एक ही लोग करोगे, एक लोग वहीं पर आओगे, एक लोग आओगे है ना, आने का जो काम है वो केवल एक लोग करोगे। यहाँ पर यही दिखाता है ना, जो या बताता है वो हमेशा अकेले को बताता है ना, जैसे रमेश या सुरेश या फिर रमेश ये काम, मतलब कि सुरेश या रमेश क्रिकेट खेलते हैं है ना। अब इसमें से बताओ कि सुरेश खेलता है या फिर रमेश खेलता है ना, दोनों में से एक खेलते हैं, दोनों नहीं खेलते। अब यहाँ पे अगर और लगा देते हैं, और लगा देते दोनों खेलते हैं ना, ये ध्यान रखो, अगर या आएगा तो वो सिंगुलर में चला जाएगा, अगर या नहीं आएगा नहीं, अगर या और आएगा तो ये चला जाएगा प्लूरल है ना, अगर या आएगा तो सिंगुलर में जाएगा, अगर या नहीं आएगा और आएगा तो वो प्लूरल में चला जाएगा है ना, ये समझ में आया। अब इसमें नेम में आता है, अकेला नाम आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर में होगा है ना, यानी नेम के बारे में पूरा समझ में आया है ना, सिंगुलर नेम आया तो क्या होगा है ना, सिंगुलर मतलब एक नेम आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर में होगा। अब इसके बाद आता है जैसे प्रोनाउन में सी हुआ, ही हुआ है ना, या फिर क्या होता है, इट होता है ना, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं ना, सी मतलब वह होता है, ई मतलब भी वह होता है, सी क्या करते हैं स्त्री के लिए मतलब कि वुमन के लिए यूज होता है, और ई होता है जो बॉय के लिए यूज होता है ना, मैन के लिए यूज होता है ना, और इट क्या होता है, सबके लिए मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग वाला होता है उसमें इट का यूज होता है ना। तो ये होता है तीन क्या होते हैं आपके सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, और एक जो नाम आता है अकेले में आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर में होगा। अब इसके बाद देखो प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में अगर ग्रुप का नेम आया, ग्रुप नेम है ना, ग्रुप नेम वही हमने बताया ना कि दो या दो से अधिक जो नाम आएंगे, जिसे रमेश और सुरेश बताया है ना, ये सब रमेश और सुरेश बताया, ये सब क्या होंगे, सिंगुलर में आएंगे है ना, ग्रुप नेम आया। या फिर प्रोनाउन में क्या होता है, दे या फिर दे आई और वी, ये सभी क्या आएंगे, प्लूरल में आएंगे है ना, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं है ना, ये इतना नोट करो। हिंदी भी लिखते हैं, इसका भी वर्ब होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्त्री भी ये होता है, और ये इसके बाद एक मतलब किसी, ये क्या होता है डायरेक्टली यूज किया जाता है, और इसके बाद दे होता है, दे मतलब वी, आई मतलब मैं, और वी मतलब हम, मैं रहूँगा तो आई लेगा, जहाँ पे
ये आएगा वहाँ पे। इटिस है ना, इटिस सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। इट करते को यूज क्या होता जाते हैं, जहाँ पे कोई हुआ का मीनिंग इसमें ये, इसलिए ये भी देता है हुआ का मीनिंग, लेकिन ये क्या होता जाते हैं कभी नॉन लिविंग थिंग होता है कोई चीज़ है ना, जैसे क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है उसके लिए इट का प्रयोग करता है ना। तो हमेशा इट का प्रयोग अलग ही होता है ना, इसके लिए क्या होता है हमेशा, जैसे रैन भी जब होता है, इट इज़ रैनिंग है ना, जो वर्षा होती है उसके लिए भी इट का प्रयोग होता है ना। ये स्पेशल केस है ना, जब आगे मतलब पूरा टेंशन समझ लोगे फिर उसके लिए पार्ट ऑफ बॉडी और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, तभी पूरा सबको बताएंगे इसका ये पूरा बताएंगे ना। तो देखो ये पूरा हुआ सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ है ना, इन सबको समझ में आया। तो इसके बाद हम लोगों को अब देते हैं उदाहरण, मतलब कि होमवर्क देते हैं, अब पूरा करके आना है ना। तो आज के लिए इतना ही है ना।